हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बस ऐसे ही बेड रेस्ट पे हूँ मैं बिल्कुल। अभी कल बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब हॉस्पिटल जाना पड़ा था। माइग्रेन तो होता ही है मुझे, और वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया, और दवाई खाने के बाद भी आराम नहीं मिला। और माइग्रेन के बाद पता नहीं मुझे ऐसा क्या हुआ, लगभग 2 घंटों तक मेरी बॉडी एकदम, एक तो ठंडी हो गई, एकदम हाथ पैर गर्म ही नहीं हो रहे थे 2 घंटे तक। पूनम थी, रचना को बुलाया हमने, क्योंकि हस्बैंड को फ़ोन कर दिया था लेकिन उनको आने में टाइम लग रहा था ना, 1.25 घंटा 1.5 घंटा लग ही जाता है रास्ते में। तो फिर रचना को फ़ोन करके बुलाया, मेरे को मतलब उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, हाथ पैर नहीं उठ रहे थे, मतलब मैं चल भी नहीं पा रही थी, मेरे को इतना ऐसा लग रहा था मैं फेंट हो जाऊंगी। तो मैं एक जगह बस सोफे के नीचे जहाँ हम अपना हीटर रखते हैं, मैं वहाँ बैठ गई और मैं वहाँ 2-2.5 घंटा बैठी रही हूँ, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। और मतलब हाँ, मेरे हीटर से गर्म कर रहे हैं मेरे पैर, सिद्धार्थ ने ड्रायर लगाया, हेयर ड्रायर, उससे मेरे पैर सेक रहा है, मेरे पैर ठंडे के ठंडे, वो गर्म ही नहीं हो रहे, हाथ गर्म नहीं हो रहे। और ऐसा लग रहा कि मतलब जैसे सर भी मेरा ऐसा भारी हो गया ना, नेक से लेके सर तक इतना भारी हो गया कि मुझे अजीब सा फॉगी फॉगी सा लगने लग गया था, ब्लर जैसा लगने लग गया था। मतलब पता नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा मेरे को इतना, ऐसी तबीयत बहुत बुरी, मतलब क्या बताऊँ, मुझे लग रहा था कि मुझे लोगों को उठा के ले जाना पड़ेगा। पता नहीं कौन आया है, 1 सेकेंड में भी आती हूँ। और दर्द और इन सब की वजह से ना मेरा बीपी भी बढ़ गया था। मैं बस वेट कर रही थी हस्बैंड आए तो वो फिर मेरे को उठा के लेके चले। मतलब आ तो सब लोग गए थे, रचना आ गई थी, भैया आ गए थे, बट किसी तरह एक मेडिसिन होती है, डॉक्टर ने सजेस्ट कर रखी, वो भी घर पे नहीं थी, फिर किसी तरह इन्होंने अरेंज करके वो मंगवाई। वो मेडिसिन थोड़ा सा घबराहट और ऐसे एकदम से कुछ आपको जैसे पैनिक टाइप का हो ना तो उसको कंट्रोल करती है। तो सर दर्द की वजह से ना, माइग्रेन एक ऐसा नहीं है सिर्फ दर्द है, माइग्रेन में बहुत कुछ हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब हो गया था। फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं तो गई, अब ऐसा मेरे को फील आ गया उस टाइम। फिर हस्बैंड आए, फिर हम लोग गए हॉस्पिटल, वहाँ पेन के इंजेक्शन और कुछ पता नहीं और क्या क्या इंजेक्शन उन्होंने लगाया। कुछ देर मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा, 1 या 2 घंटे, मुझे टाइमिंग भी कुछ ढंग से याद नहीं है, कितने बजे हम गए, कितनी देर हम वहाँ रुके हैं। तो उसके बाद फिर बीपी भी मेरा 100 और 170 था, नीचे वाला 100, ऊपर वाला 170। फिर बीपी की उन्होंने मेडिसिन तो नहीं दी, लेकिन जब पेन और दूसरे इंजेक्शंस मुझे लगाए गए तो फिर बीपी अपने आप डाउन आ गया, थोड़ा सा बेटर फील होने लगा। ऊपर से वो दवाई जो मैं बोल रही हूँ ना, जो थोड़ा सा कंट्रोल करती है आपको, क्योंकि जब कुछ ऐसा होता है ना तो आपकी बॉडी में अगर कुछ ऐसा अनयूजुअल होता है तो नेचुरल एक है कि आप घबरा जाते हो, आप कितना भी हिम्मत बांध के रखो, और वो घबराहट उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाती है और ज़्यादा परेशान होने लगता है इंसान। तो जो भी कुछ हुआ मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। उस टाइम मेरे घर में ना गीज़र बनाने वाले 2 लोग आए हुए थे, और उसी टाइम मेरे को ऐसा हुआ, दर्द तो पहले से हो रहा था लेकिन वो टाइम एकदम पीक, मतलब दर्द भी पीक हो रहा था और मेरे को एकदम मतलब वही फॉगी फॉगी और एकदम मतलब बैठ गई थी मैं। सिद्धार्थ की भी क्लास चल रही थी उस टाइम, उसने क्लास बीच में छोड़ी। आ गए तुम ट्यूशन से? पापा आ गए। पापा को मैंने बोल दिया ऑफिस जाने के लिए, तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। अभी ठीक फील हो रहा है थोड़ा। सही में? मैं नहीं बोल रहा उनको जाने के लिए। नहीं बेटा सच में, फॉर सीरियस। तुम खाना गर्म कर लो अपना। फिर हॉस्पिटल से आने के बाद फिर बेटर फील हुआ, नींद वगैरह की दवाई भी दी थी डॉक्टर ने, तो वो खा के सोई हूँ।
अभी ना मतलब वैसा नहीं लग रहा है, बट पूरा बॉडी एकदम जैसे कि किसी ने जान खींच के मेरे अंदर से निकाल ली है। बिल्कुल ताकत नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। बस मैं सुबह से उठ के ऐसी कभी लेट रही हूँ, कभी उठ के बैठ रही हूँ, कभी लेट रही हूँ, कभी उठ के बैठ रही हूँ। हाँ, वो गीजर वगैरह वाले आए थे, उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, क्योंकि पूनम जो थी वो मेरे पैर रगड़ने में पड़ी थी ठंड बहुत देर। पूनम 1 घंटा बैठी रही मेरे साथ में, तो उन्होंने ना पैसे लिए भैया लोगों ने, ना कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जो होते हैं ना, वारंटी कार्ड वगैरह, परचेज बिल जो होता है वो सब देखते हैं ना, क्योंकि अंडर वारंटी है हमारा गीज़र अभी, वो सब देखना था उनको। उन्होंने फिर कुछ नहीं किया, क्योंकि ढूंढने की हालत में क्या, मैं उठने की हालत में नहीं थी, जहाँ बैठ गई वहाँ बैठ गई, बस ऐसे था। फिर वो लोग चले गए कि हम मैडम बाद में आके ले लेंगे, ऐसा था। अभी भी देखो मैं बोल भी नहीं पा रही थी कल, और अभी भी मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है। बेटा पापा को भेज दिया अभी ना, मतलब क्यों छुट्टी हो जाती है, अगर मुझे लगेगा तो आ जाएंगे पापा फिर। अभी ठीक लग रहा है मुझे, सिद्धार्थ भी परेशान हो गया था कल। दोस्तों खाना खा के सबको इनवाइट करने जाऊंगा। बेटा ये प्लेटें मेरी जूठी उठी है, सब ले आंटी से जा। कॉल करके बोल दूंगा, ठीक है? सब्जी अच्छी नहीं बनी है ना? सब्जी अच्छी नहीं बनाई पापा ने, ना चाय अच्छी बनाई है चाय उन्होंने। में मिला दो फिर से अभी। हाँ थोड़ी देर में बना, पहले खाना खा लो, दाल गरम कर लो। सुनो, दीप्ति आंटी और वन्ना आंटी और जस्ट से आप कॉल करके बोल देना, बाकी मैं अपने दोस्तों को जैसे प्रासुक, प्रज्ञान, आर्यन और कोई है, इन तीनों को घर जाके बुला लूंगा। ठीक है, इसका बर्थडे है परसों, तो बस यही सब चल रहा है। पता नहीं कैसे अब तक मेरा शरीर, मतलब कब तक ऐसे रहेगा, मतलब अभी तो मैं किसी कुछ भी करने की कंडीशन में नहीं हूँ। सिद्धार्थ बेटा मेरे को बड़ी देर से प्यास लगी है, मैंने पानी भी नहीं पिया है, यहाँ बॉटल रखी नहीं थी, मेरे को पानी की बॉटल भर के दे दो एक। मैं वही देख रही, मैं गर्म करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। थैंक यू, इसमें शायद गर्म ना हो, ठंडा हो जाता है ना। ज़्यादा गर्म चाहिए भी नहीं मेरे को, ठीक है ऐसे। मतलब बैठे बैठाए क्या हो जाता, कल मुझे एकदम ऐसा फील आ गया कि अब मैं गई। मेरे को जो हो रहा था ना, सिद्धार्थ रोने लग गया, इवन पूनम भी रोने लग गई थी एक टाइम पे। तो भाभी हिम्मत रखो, भाभी हिम्मत रखो, बर्थडे में खाना पीना कैसे बनाओगे? बर्थडे तो परसों है ना बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी जब तक। पानी ले तो लो। आज मैं कंप्लीट रेस्ट करने वाली हूँ, पूरा आज बेड मम्मा का रेस्ट। संडे है। आज मेरा संडे है, दाल चावल ना? दाल चावल है, सब्जी तो पापा ने ऐसी बनाई है कि मुझे नहीं नहीं लगता नहीं खा पापा पाओगे। थोड़ा चावल। सा ना मेरे को भी दाल चावल देना, पापा ने जो दिया था ना हाँ बहुत थोड़ा सा मैंने मांगा था उस टाइम, कि ठीक है, खाने का मन नहीं कर रहा था थोड़ा दाल सा बस इतना। गर्म कर रहा हूँ, उसके ऊपर चावल डाल दूंगा। तो बाउल में, कटोरी में चम्मच लगा के देना मेरे को, बाउल में ना आज तुम्हें ही किसका ख्याल रखना है मेरा बेटा। एक पूरा चम्मच है चावल का? हाय एवरीवन, तो कल के बाद ना आज मैंने कैमरा उठाया, कल आपसे थोड़ी बहुत बातचीत की, और फिर पूरा दिन इसी बेड पे मैं पड़ी रह गई, और इवन आज भी मैंने कुछ भी काम नहीं किया है घर का। मतलब घर पूरा ऐसा हो गया ना कि अगर मैं कैमरा घुमाऊँ ना, मतलब एक दिन भी अगर घर की लेडीज़ बीमार हो जाए या किसी वजह से छुट्टी ले लेना, तो ऐसा बिखर सा जाता है ना घर, मैं क्या बताऊँ, पूरे घर की हालत ख़राब है। इवन अभी भी मैं बैठी हूँ और आसपास तकिया, कम्बल, रजाई सब बिखरे हुए हैं। आज फिर से मुझे जैसे ही सुबह से ठीक ठीक था, थोड़ा सा वीकनेस बहुत हो गई है उस एपिसोड के बाद ना, ऐसे बॉडी लग रहा है कि एकदम वीक है, ज़्यादा कुछ काम नहीं होगा। जैसे ही नहाया एकदम से, नहाने के तुरंत बाद, पहले कुछ नहीं था, नहाने के तुरंत बाद एकदम से मुझे फिर से सर दर्द स्टार्ट हो गया। उस दिन भी मुझे ऐसे हुआ था, नहाने के पहले से हो तो रहा था लेकिन नहाने के बाद बहुत तेज़ हो गया था सर दर्द। तो नहा के निकलते ही तुरंत मैंने दवाई खाई सर दर्द की, और मैं लेट गई। सिद्धार्थ ने मेरे हाथ पैर दबाने शुरू किए और सर दबाया उसने, सॉक्स पहनाए उसने, मुझे बिना सॉक्स पहने ऐसे लेट गई थी, और मैं फिर वैसे ही लेटे लेटे सो गई। 11:30 बजे मैं लेटी हूँ और 1 बजे मैं उठी हूँ। और सबसे बड़ी बात है, सिद्धार्थ का कल ही बर्थडे है, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए कि मैं कैसे मैनेज करूँ, तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो थोड़ा उठी हूँ, अभी लंच किया मैंने, सिद्धार्थ को लंच करवाया और थोड़ा सा रेडी हुई,
ये परसों गई थी मैं डी मार्ट, तब से ये ऐसे थैले ही ऐसे रखे हुए हैं। परसों नहीं, उसके एक दिन पहले गई थी मैं डी मार्ट, 3 दिन हो गए मुझे, तब से ये थैले ऐसे ही भरे रखे हैं। सोचा था मैंने आप लोगों को दिखाऊंगी तब मैं इनको अपनी जगह पे रखूंगी, बट ये ऐसे ही भरे रखे हैं। तो चलिए इनको दिखा देती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। और कल सिद्धार्थ का बर्थडे है तो सब इनविटेशन वगैरह सब जगह, ज़्यादा तो नहीं, उसके जो फ्रेंड उसके साथ में खेलते हैं बस उन्हीं लोगों को हम बुला रहे हैं। उसके बर्थडे पे तो पता ही है आपको कि मैं बहुत अब मिनिमल ही करती हूँ उसका बर्थडे, बट है फिर भी 8-10 लोग हो गए हैं, 10 बच्चे हो गए हैं, तो तैयारी तो उसी हिसाब से करनी है। काफ़ी अभी बहुत कुछ करना है और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले ये हॉल दिखाती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे जितना मेरे से हो पाएगा लिस्ट बनाना, मेन्यू सेट करना, ये सब मैं करना शुरू करूँगी। तो जो जो चीज़ें मेरे हाथ लगती जाएंगी मैं आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। कुछ राशन का सामान है, कुछ सस्ता वहाँ मिल रहा था तो वो मैंने ले लिया। तो ये डी मार्ट स्पेशल चने की दाल है, बहुत सस्ती लगी हुई थी ये, बहुत डिस्काउंट था इसके ऊपर, तो ये एक पैकेट मैंने ले लिया। राशन हालांकि मैं लाने गई नहीं थी, लेकिन जो लगा कि एक्सेप्शनली प्राइस जिस चीज़ का ड्रॉप है तो वो मैंने ख़रीद लिया था। लिज्जत पापड़ी ज़रूरी थे, ख़त्म हो गया था और इतना कुछ भारी होता भी नहीं है तो मैंने ये ले लिया है। उसके बाद ये है फिक्स, ये हम लोग लगभग एवरीडे तो खाते ही हैं। ये जो है फिक्स जो है ये बहुत अच्छे होते हैं, ये पेट के लिए अच्छे हैं। जैसे मेरी डाइटिशियन ने मुझे बताया था, मुझे अक्सर कॉन्स्टिपेशन वगैरह, मेरा गट हेल्थ ना थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, उस पर हम थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ACV जो होता है, एप्पल साइडर विनेगर, वो आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा स्टमक अपसेट है, कॉन्स्टिपेशन है, तो रात को लूक वार्म वाटर में खाने वाने के बाद एकदम बेड टाइम से पहले आप ACV लो तो सही रहता है, विद मदर जो आता है वो वाला। और ऐसे ही सुबह खाली पेट आप 2 फिक्स अगर खाते हैं तो आपका पेट एकदम साफ होता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। सोक्ड मतलब ओवरनाइट सोक्ड होने चाहिए ये। तो ये फिक्स का पैकेट जो हमारे घर एवरीडे रह रहा है, हस्बैंड भी आजकल खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ। अंजीर, हिंदी में अंजीर बोलते हैं, तो ये वाला पैकेट काफ़ी डिस्काउंट पे लगा हुआ था तो मैं लेकर आई हूँ, काफ़ी डिस्काउंट था इसके ऊपर। उसके बाद ये बस ऐसे ही रख लिया, नमक, और ये है 1/2 kg का बाग बकरी चाय, इसके ऊपर बहुत हैवी डिस्काउंट था, इसका जो MRP है वो 295 है और ये 50 रुपये ऑफ था, 145 के अराउंड ये मिल रहा था, 50 रुपये एकदम से ऑफ था इसके ऊपर, तो फिर मैंने इसको भी ले लिया। हालांकि एक न्यू पैकेट अभी रखा हुआ है मेरे पास, बट गए थे तो मैंने ले ही लिया। वहाँ पे टूथब्रश, टूथपेस्ट, इनके ऊपर भी बहुत अच्छे डिस्काउंट लगे हुए थे। तो ब्रशेस तो मतलब अक्सर चेंज करते रहो, हर 3-4 महीने पे तो अच्छा रहता है, तो फिर मैंने ये एक 6 का सेट है ये मैंने उठा लिया। और एक और लेके आई थी मैं अलग से, वो मैंने अपना बाथरूम में रख भी लिया है वो वाला यूज़ करने के लिए। जब डी मार्ट जाओ ना तो ऐसे ऐसे ब्रांड, ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आपको जनरली ऐसे शायद ग्रोसरी स्टोर पर ना मिलें या ऑनलाइन देखने ना मिलें, तो बहुत अलग अलग ब्रांड होते हैं वहाँ पे। तो एक ये मुझे पड़ा है जलानी का, सिंस 1958 से है ये। ये पानी पूरी के डब्बे हैं, इसके अंदर मतलब सब कुछ ही है, पानी पूरी की पूरियाँ भी हैं, इमली चटनी है और पानी भी है, खजूर इमली की चटनी, पुदीना पानी और पूरीज। तो ये डब्बे के साथ, एक के साथ एक फ्री था, ये 90 रुपीज़ का एक डब्बा है और एक के साथ एक फ्री, तो 45 का एक पड़ा, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब रिजनेबल टाइप का लगा और मैंने सोचा एक बार वन टाइम ट्राई करके देखने में क्या ही बुराई है। तो इसमें 50 पूरी लिखी हुई है कि इसके अंदर अप्रॉक्स 50 पूरी हैं और चटनी भी है और पानी भी है, तो मैंने कहा चलो एक ट्राई देके देखते हैं। तो ये 1 buy 1 get 1 था तो ये भी ले लिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पर डिस्काउंट लगा हुआ था ये बीदिंग सोप्स के ऊपर, तो मैं जनरली यूज़ करती हूँ लक्स यूज़ करती हूँ और सिंथॉल यूज़ करती हूँ, संतूर यूज़ करती हूँ, इन्हीं में ना स्विच करती रहती हूँ, और भी कई यूज़ करती हूँ, एक ऑर्गेनिक वाला है वो भी मैं यूज़ करती हूँ, अमेज़ॉन से मंगाती हूँ। तो मैं वंदना के साथ गई थी,
वरना ये फियामा का यूज़ करती है, तो उसने बोला तुम भी ले लो, डिस्काउंट भी बहुत अच्छा था इस पर। तो ये फर्स्ट टाइम मैं यूज़ करने वाली हूँ फियामा जेल बार। उसके बाद यहाँ पे लिए हैं मैंने ये ऑयल के पैकेट, दो राइस ब्रैन ऑयल हैं, क्योंकि अभी काफ़ी तलने मलने का काम लगेगा ना सिद्धार्थ की बर्थडे पे, तो दो रिफाइन ऑयल है, और दो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल, एक फॉर्चून का और एक कच्ची धानी का, ये लिया है। और सिद्धार्थ को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये चाहिए थी टॉफ़ीज, तो जो बच्चे आएंगे उनके लिए तो काफ़ी कुछ है, बट ये मैंने स्कूल के लिए मंगवाया है। स्कूल तो अभी उसकी छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन जब भी स्कूल ओपन होगा, वैसे तो मंडे से ओपन हो रहा है अगर एक्सटेंड ना हो जाए छुट्टियां तो, बट एक्सटेंड होने का अब चांस तो लग नहीं रहा, तो मंडे से जब खुलेगा स्कूल तो वो फिर ये टॉफ़ियाँ जो हैं वो लेकर जाएगा। स्कूल में टॉफ़ी के अलावा और कुछ अलाउ नहीं है। एक में 100 पीस ऑफ टॉफ़ीज़ हैं, तो ये दो मैंने ले लिए थे, तो यहाँ भी बच्चों को दे देंगे जो रिटर्न गिफ्ट वगैरह में डाल के होता है, और फिर इसके स्कूल में भी काम आ जाएगा। उसके बाद वहाँ पे ऐसी ऐसी नमकीन मिलती हैं, ऐसी ऐसी नमकीन मिलती हैं ना अलग अलग तरीके की, तो ये एक मैंने नमकीन लिया है, ये मैंने श्री राम का लिया है, बिकानो और हल्दीराम इनके तो हम ट्राई करते रहते हैं, ये तो हर जगह मिल जाते हैं। ये बीकानेरी श्री राम का है, ये वाला मैंने 1 kg का लिया है, पीनट क्रैकर होते हैं जो, ये वो वाले हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, एक नमकीन का पैकेट और था वो खोल दिया है, तो वो किचन में है। इसके अलावा फ्रूटी पूरा बंच हमने उठा लिया था क्योंकि बच्चों को देना है, चॉकलेट ले लिया था काफ़ी सारी, वो बच्चों को देनी है तो सारी फ्रिज में डाल दी थी आते ही, तो वो वहीं रखी हैं, उनको क्या ही दिखाऊँ, तो वो वहीं रखी हुई हैं। और भी कुछ कुछ चीज़ें मैंने निकाली हैं इससे। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है ये श्याम का ब्लैक सॉल्ट, थोड़े डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड में लेकर आई हूँ, जो वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, ताकि अलग अलग चीज़ यूज़ करके थोड़ा जज कर पाएँ क्या ज़्यादा अच्छा है, तो एक ये लिया है। मसालों में भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट मैंने करना चाहा, ये बादशाह के मसाले वहाँ बहुत मिल रहे थे, तो बादशाह का एक चिकन मसाला मैंने लिया है। पाव भाजी के लिए मैंने MDH वाला ही लिया है जो मैं यूज़ करती हूँ, और फिर ये एवरेस्ट का चाट मसाला, तो ये तीन मसाले लिए हैं मैंने। और ये चौथा मसाला है जो मसाला है मैजिक आता है, ये सिद्ध को काफ़ी पसंद है, पोहा में डाल के तो कभी कभी बना देती हूँ मैं, कभी कभी नहीं भी डालती हूँ, तो ये एक लिया है। हाजमोला लिया है, ये सिद्धार्थ ने डाल लिया था हाजमोला मुझसे बिना बताए, बिलिंग के टाइम मुझे पता चला। तो अब चलिए, ये तो थी राशन वाशन की चीज़ें, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे किचन से रिलेटेड हैं, और कुछ कुछ कपड़े हैं वो दिखा देती हूँ मैं। तो हाँ, पहले एक राशन का एक चीज़ और दिखा देती हूँ। राशन में ये एक मुझे घी लेना था, तो ये गोवर्धन का घी जो रिफ़िल पैक होता है, उसके साथ में ये डब्बा मिल रहा था, तो मैंने कहा यही ले लेते हैं, प्राइस में कोई अंतर ही नहीं था, चाहे आप डब्बे वाला लो, चाहे रिफ़िल लो, चाहे ऐसा लो, तो मैंने ये एक उठा लिया। मैंने कहा चलो एक डब्बा ही मिल जाएगा, अच्छा क्वालिटी का डब्बा है ये। उसके बाद 39 rupees के ये 3-piece सेट मिल रहे थे, ऐसे ट्रांसपेरेंट टाइप के डब्बे हैं, तो ये एक्चुअली फ्रिज में ना, फ्रिज में काम आते हैं, फ्रिज के स्टोरेज के लिए। तो आपने देखा ही हुआ है, मैंने मीशो से बहुत अच्छे जो डब्बे हैं ना लाइनिंग वाले वो मंगाए हुए हैं, लेकिन क्या है ना कि वो जैसे बड़े बड़े चीज़ें रखने के लिए अच्छा है, आपने गाजर रख दिया, मटर रख दिया, मूली रख दिया, टमाटर रख दिए, छोटी छोटी चीज़ें रखने में उसमें दिक्कत होती है। अब जैसे थोड़े से लहसुन छील के रखने हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी अदरक छील के रखनी है, या हरी मिर्च रखनी है, तो उसके लिए मुझे ये अच्छे लगे। 39 rupees में 3-piece थे, क्वालिटी अच्छी है, बहुत ग्रेट भी नहीं है और ख़राब भी नहीं है, अच्छी क्वालिटी की। ये 3 डब्बे का सेट था, एकदम बिलिंग के टाइम पे जो वहाँ बड़े बड़े बॉक्सेस में ऐसे ड्रम करके रखते हैं, उनमें से हमने ये निकाला। वंदना भी बहुत सारे डब्बे और किचन विचन का सामान लाई है, बट वो तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी। और इसके बाद 39 rupees में ही ये भी डब्बे थे, ये भी ट्रांसपेरेंट हैं, थोड़े कलरफुल हैं, बट हैं ट्रांसपेरेंट, कि आप इसमें नींबू वगैरह, अदरक वगैरह ऐसा कुछ भर के रख सकते हो, तो मैंने ले लिए। जाओ ना वहाँ तो मन कर ही जाता है, यूज़ इतना पता हो या ना पता हो, मन कर जाता है कि ख़रीद लो। उसके बाद बहुत सुंदर सा मैंने कप के सेट लिए हैं, कप तो वहाँ बहुत अच्छे अच्छे थे, जिनको मन कर रहा था सारे ही ले लो, बट ये मुझे बड़े प्यारे ही लगे, बहुत ही प्यारे लग गए ये मुझे। ये कलर भी बहुत अच्छा है, इनका डिज़ाइन वगैरह भी देखिए ना जैसा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने 2 ले लिए, और साइज़ भी बहुत डिसेंट है, बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं था।
और ये मेरे नेकलेस। हाँ मैंने दिखा दिया है, ये भी, ये बिलिंग के टाइम पे दिखा कि मेरी कार्ट में हजमोला भी है, मैंने छुपा के डाल दिया था। मम्मा आपने आपसे पूछा था, मैंने आपने बोला कहीं दिखे तो डाल लेना, मुझसे कब पूछा मुझे पता भी नहीं, मुझे याद भी नहीं, और मैंने ये जो बोला ये भी मुझे याद नहीं है। अरे सुनो, जहाँ फ्रीजर से ना उसके बगल में जब आप छोटी छोटी चीजें ऐसी बोतल रखी थी, मैंने स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। अरे सही में है। चलो अच्छा जाओ, मेरे को थोड़ा सा ये करने दो। उसके बाद लास्ट टाइम जब मैं फर्स्ट टाइम डीमार्ट गई थी, तो उस टाइम वहाँ पे मैंने बोला था 99 में टी शर्ट बहुत अच्छी मिल रही थी, तो हम लेके आए थे टी शर्ट और उनको वॉश किया, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी, कपड़ा बहुत अच्छा, और 99 में सिर्फ टी शर्ट वगैरह कहाँ मिलती हैं, आप एक्सेल ले लो, डबल एक्सेल ले लो, फुल साइज़, मतलब बड़ों के लिए, फीमेल मेल बच्चे सब के लिए था। पहले तो चलिए दिखा देती हूँ, ये मैं कुशन कवर लाई हूँ, जैसे मेरा सोफ़ा है ना, सोफ़े के ऊपर मस्टर्ड येलो ये सारे कलर बहुत अच्छे लगते हैं, तो अब एक ही मेरा वो येलो वाला बचा है जो फ़िलहाल मैंने बिछाया हुआ है ना कुशन के लिए, तो ये मिल रहे थे 79.79 के, 85 इसकी MRP पड़ी हुई है, बट 79.79 के मिल रहे थे, मुझे अच्छा लगा पैटर्न भी और कलर भी अच्छा लगा, तो फिर मैंने ये 3 ले लिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी मुझे, 3 ये मैंने लिए। उसके बाद टी शर्ट्स देख लेते हैं, तो 99.99 वाले में से एक मैंने ये हस्बैंड के लिए, उनको ऐसे मतलब प्लेन सॉलिड कलर्स जो होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये ब्लैक में मैंने लिया है, ब्लैक नहीं मैं कहूँगी इसको, ग्रे रॉक ब्लैक टाइप का जो कलर है ना, वैसा कुछ इसका कलर है, रॉक कलर टाइप का, तो ये लिया है एक, ये 99 ओनली है। और कपड़ा आप भूल जाओ कि कपड़ा इसका ख़राब है, कपड़ा बहुत अच्छा है, मतलब कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और ऑलरेडी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, इनके 2-3 टी शर्ट जो मैं लेकर आई थी उसको रेगुलर यूज़ किया मैंने, धोया काफ़ी टाइम, 2-3 महीने यूज़ करके देख लिया, कहीं भी ख़राब नहीं हुए, इसीलिए मैंने लिया है ये। मैंने वैसे तो ये मैन सेक्शन में से है, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये लड़के भी पहन सकते हैं, बट ये मैंने अपने लिए लिया है, इसके ऊपर लिखा हुआ है फैब, फैबुलस, फैबुलस, ओनली 100 -1 रुपी। फिर मैंने लिया है सिद्धार्थ के लिए, अभी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे, हालांकि इस पे जो एज लिखी हुई है वो 11-12 ईयर्स ही है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, आ जाएगा ना, आ ही जाएगा, तो ये कलर भी अच्छा लगा मुझे, ये एक टी शर्ट ये सिद्ध के लिए ली है, ये भी 99 की थी। फिर एक और ये टी शर्ट लिया, ये भी कलर मुझे बहुत पसंद आया, तो ये एक लिया मैंने टी शर्ट एक और, इसके लिए लाई हूँ सबसे ज़्यादा। उसके बाद ये वाला टी शर्ट भी मुझे बहुत पसंद आया, इसमें ऐसे पीछे हुडी है, गर्मियों का ही है ये हुडी वाला टी शर्ट, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है, और ये हुडी भी बहुत मतलब ट्रेंडी टाइप का ही पीस मुझे लगा, और इसका भी कपड़ा बहुत अच्छा है, ये आई थिंक ये 129 की थी, ये 179 की है, ये मतलब 99 वाले में से नहीं थी, 179 वाले में से थी, ये भी बहुत अच्छी लगी। फिर ये थी 300 की शर्ट और टी शर्ट का जो मिक्स कॉम्बिनेशन होता है, इसमें भी पीछे ये कैप है, हुडी है पीछे, और अंदर से ऐसा लुक देगा कि टी शर्ट के ऊपर आपने शर्ट पहना हुआ है, तो ये टी शर्ट है, इसी में अटैच है, ये अलग से नहीं है, अटैच है शर्ट के अंदर, तो बड़ा कूल सा लुक आता है इसको पहनने के बाद। नहीं नहीं 399 का ये, मोए मोए हो गया मेरा, 299 का नहीं, ये 399 लिखा हुआ है इस पर, 399 का मुझे मिला, तो एक ही है मैं लेके आई हूँ, और इसमें और भी 699 बन जाएगा 699, इसमें और भी कलर ऑप्शन वगैरह थे, तो बस यही था सारा तामझाम, यही सब कुछ मैं फूटी और पर्क्स बता दिया, तो यही सब मैं लेकर आई थी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको लेने का मन कर रहा था, बट इतना कैरी करना बड़ा मुश्किल था। तो सिद्धार्थ का कल बर्थडे है 13 जनवरी, तो विश करना ना भूलें, कल मैं एक कम्युनिटी डालूंगा। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मुझे भी सिद्धार्थ को बर्थडे तो विश करना ही करना, लेकिन मुझे भी स्पीडी रिकवरी के लिए विश करना, क्योंकि सच में ये जो 2-3 दिन में मैं फील कर रही हूँ ना, परसों से अभी तक, हो सकता है मैं फेस से अभी फ्रेश लग रही हूँ, बट तबीयत अच्छी नहीं है मेरी, तो प्लीज़ आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाकी ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।